नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों कंपनियों की अगर बात करें तो आज के दिन एकदम फ्लैट कारोबार किया है, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी बहुत ज़्यादा गिरावट दोनों नहीं देखने को मिला है। वो भी पहला स्टॉक रहेगा APL अपोलो ट्यूब। APL अपोलो ट्यूब की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था, आई बटन पर लिंक आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, इस कंपनी को थोड़ा सा क्या है कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? इस कंपनी की भी यही खासियत है कि महीने में एक बार तो ऑल टाइम हाई कंपनी लगा ही देती है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में भी कोई भी निवेश करने का मतलब कि टाइम नहीं है कि आपको इसी प्राइस पे निवेश करना है, मतलब कि ऐसा फिक्स रूल्स नहीं दोस्तों, आप किसी भी प्राइस पे जो है कि निवेश करें। हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की आप ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों रिसेंट में हमने देखा था जो हमारा 2000 का टारगेट था लगभग 1800 के आसपास कंपनी गई थी, उसके बाद 15% ही कंपनी डाउन हो गई। मतलब एक महीने के अंदर बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये कंपनी इजिली करेक्ट हो जाती है, ये थोड़ा सा रिस्क है इस कंपनी में, जिससे रेट हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पर अगला स्टॉक रहेगा आइडिया फोर्स। आइडिया फोर्स की बात करें तो इस कंपनी का रिसेंट में ही IPO आया है। जब से कंपनी का IPO आया दोस्तों, तब से देखा है तो स्टॉक में गिरावट दर्ज हो रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को IPO के बाद भी बाइंग कर लिए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को IPO से भी होल्ड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हम बात करें क्या वो भी फंस गए, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा APL अपोलो ट्यूब है। देखिए दोस्तों, इस कंपनी अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस कंपनी का स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन कंपनी में लगभग देखा था फ्लैट ही कारोबार के, जैसा कि हमने आपसे बताया ये कंपनी मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से जो है कि उसी के आसपास ओपन होती है, उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सडनली स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलती है, मतलब जो नॉर्मल इन्वेस्टर होंगे दोस्तों वो डर भी सकते हैं कि सेल करके जा भी सकते हैं। तो ऐसा आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फिर वापस कंपनी रिकवरी किया है, रिकवरी करने के बाद देखा है तो हरे निशान में क्लोजिंग दिया है। वहीं पर अगर मैं आज के लो की बात करूँ तो 1600 के आसपास देखने को मिलेगा, हाई की बात करें 1648। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने रिसेंट में 1800 के लेवल को टच किया था। जैसा कि अगर आप यहाँ पे एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने 1800 के लेवल को टच किया था, उसके बाद एक अच्छी खासी मतलब कि गिरावट देखने को मिली। अगर मैं इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट कंपनी जो है कि 15% डाउन हो गई, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम, मतलब 20 दिनों में आप कह सकते हैं कि 15% गिर गई। लेकिन हाँ, अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो मतलब देखा जाए तो एक फ्लैट ही कारोबार कर रही है। वहीं पर अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में 57% 60% के आसपास रिटर्न बना के दिया। हाँ दोस्तों, जैसा BBL देखने को मिलेगा रिटर्न के मामले में, हालांकि चार्ट की बात करें तो BBL का थोड़ा आपको मतलब कि एक स्मूथ चार्ट देखने को मिलेगा, इस कंपनी का थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में देखेंगे तो 1183% का, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि रिटर्न के मामले में दोस्तों ये कंपनी BBL को पीछे भी छोड़ सकती है, ऐसा नहीं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दोस्तों कंपनी का, तो 11506% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि ये कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। वहीं पे अगर मैं BBL की बात करूँ तो जस्ट अभी आई हुई है। ऐसे में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है, लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 6 सितंबर कंपनी ने 1800 का हाई लगाया था, लो की बात करें तो 987 रुपये। वैल्यूम की बात करें तो एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि हेल्दी वैल्यूम मतलब नहीं कर सकते, फिर भी 5.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 70% माल डिलीवरी में उठा गया। एक अगर मैं नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूँ दोस्तों कि मतलब इस स्टॉक को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करें, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा FIs, DIs और प्रमोटर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर को इस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता दोस्तों, आपसे बताएं ये भी कंपनी देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है। हाँ, ऐसे में इस कंपनी का जो मेटल देखने को मिलता है एक मतलब आप डिफरेंट टाइप का मेटल कह सकते हैं, मतलब ट्यूब सेगमेंट में ये कंपनी देखा है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कि ग्रीन हाउस से रिलेटेड, मतलब तमाम से रिलेटेड जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको मतलब कि देखिए मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है। तो इसका मतलब नहीं कि एक पर्टिकुलर आपको कस्टमर देखने को मिलेगा, हर जगह पर इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। वहीं पर अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ तो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी का जो मतलब मार्केट शेयर अगर मैं बात करूँ तो डोमिनेट इन मार्केट शेयर देखा जाए तो पहले 2016 में इस कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 27% का था, लेकिन अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो 50% कंपनी मार्केट शेयर जो कि स्टील कंस्ट्रक्शन पाइप में जो कि कैप्चर करके रखी। वहीं पर 2025 तक इस कंपनी का जो टारगेट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 60% के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। ऐसे में इस कंपनी से ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन हाँ अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो कुछ इन्वेस्टर को हो सकता है कि मतलब डाउट हो कि प्रमोटर क्यों स्टेक को सेल करें। तो हालांकि दोस्तों आपसे बात, प्रमोटर इस स्टॉक में देखा तो पहले से ही सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं। और बाइंग कौन कर रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे 25% FIs के पास है। वहीं पर अगर मैं देखा जाए दोस्तों तो DIs के पास लगभग 13% के आसपास, 13% के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगला स्टेक जो देखने को मिलेगा दोस्तों पब्लिक, मतलब कहने का अर्थ क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कि देखा है तो 60% के ऊपर जो स्टेक देखने को मिलेगा लगभग आप कह सकते हैं कि प्रमोटर FIs DIs में। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ 30% के ऊपर स्टेक देखने को मिलता है। ऐसे में अगर हम पब्लिक की भी बात करें दोस्तों, तो किरण पिन की बात करें तो इनके पास लगभग देखा है तो 8-10% के आसपास आप कह सकते हैं कि स्टेक देखने को मिलता है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो आपको मतलब कि
जो पब्लिक देखने को मिल रहा है दोस्तों, मतलब नॉर्मल टेस्टर की बात करें तो इनके पास लगभग आप कह सकते हैं कि 20% 22% देखने को मिल जाएंगे। अभी इस स्टॉक में अपने करना क्या है, पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल देखा है तो खराब नहीं, जैसा कंपनी कह भी रही कि 2025 तक हम 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। मतलब इसके बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अगर मैं EPS की बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कई क्वार्टर से EPS एस्टीमेशन अभी तक बीट किया ही नहीं है। और यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है कहाँ पे दोस्तों 11,000% का रिटर्न बना के दिया। ऐसा नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा आप रिस्की वे में भी ले सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर एक महीने में हमने आपको दिखाया ना कि 15% दोस्तों ये कंपनी डाउन हो गई, उसके बाद देखा है तो अभी रिकवरी मोड में चल रही है। तो हालांकि दोस्तों जीरो टेस्टर के बाद पुरानी होल्डिंग से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। वो भी जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना है दोस्तों, इस कंपनी को बाइंग करने का कोई भी टाइम नहीं मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वही गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1500 के आसपास आ सकती है। वही पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी जल्द से जल्द 2000 के लेवल को टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा आइडिया फोर्ज है। आइडिया फोर्ज की बात करें तो जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, हालांकि देखिए मार्केट में जिस समय लिस्टिंग हुई थी तो एक अच्छी खासी हेल्दी लिस्टिंग हुई थी। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज ही मतलब देखा है तो लाल निशान में क्लोजिंग दिया है। वहीं पर अगर मैं 5 दिन के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 5% के आसपास कंपनी डाउन है। एक महीने में देखेंगे दोस्तों तो लगभग 9 से 10%। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 30% के ऊपर ये कंपनी डाउन है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जब IPO आया था कंपनी का तो लगभग 1300 की प्राइस पर कंपनी लिस्ट हुई थी। जैसा कि यहाँ पे आप प्राइस भी नोट कर सकते हैं, मतलब 1300 के आसपास ये कंपनी लिस्टिंग की थी। और उसके बाद देखा जाए तो अभी तक ये स्टॉक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ दोस्तों 30% के ऊपर ये कंपनी ऑलमोस्ट डाउन है। इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। वही भी दोस्तों अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्टिंग गेन पे लगभग 100% का मुनाफा देखने को मिल रहा था। लगातार जो है कि स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। और एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अभी वो भी बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब क्या है दोस्तों, और भी गिरेगा ये शेयर। कहने का अर्थ क्या है कि क्यों गिरेगा, इससे रिलेटेड आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं दोस्तों। हाँ, ऐसे में इस कंपनी की जब तक मतलब कि देखिए अभी अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो इतना कुछ स्ट्रांग देखने को मिल नहीं रहे। जैसा कि छोटी कंपनी दोस्तों, छोटी कंपनी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कंपनी के मार्केट कैप देखेंगे तो कितना है, लगभग 3704,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी अभी देखने को मिल नहीं रहा है दोस्तों। तो आने वाले समय में कंपनी जैसे जैसे मतलब कि इसके रिजल्ट पेश होंगे दोस्तों, उस हिसाब से देखा तो कुछ एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। आइडिया फोर्ज में दोस्तों सबसे बड़ा जो गिरावट के पीछे का रीजन है, देखिए सबसे पहले आपसे बताते हैं कि इस स्टॉक में देखा जाए 30% ही आपको प्रमोटर देखने को मिलेंगे। और जस्ट अभी भी जुलाई महीने में ही कंपनी आई हुई है। FIs की बात करें तो 4.5% 4.5% के आसपास, मतलब 4.5% के आसपास स्टेक कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं DIs की बात करूँ तो DIs में भी देखा है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया। जैसा कि आप 13% 13.25% के आसपास स्टेक देखने को मिलेगा, जिसमें मोतीलाल ओसवाल, टाटा AIG, मतलब देखा जाए तो वेंचर फंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको पब्लिक देखने को मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो QIB है दोस्तों उसके अंतर्गत देखा है तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इन्वेस्टर देखने को, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि पब्लिक में ही 53% 52% का स्टेक देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई तो इसके बाद जो डेटा अपडेट होगा थोड़ा सा उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मतलब जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से देखा है तो 30% कंपनी डाउन हो गई। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत सारे मतलब कि इंडिविजुअल आप कह सकते हैं DIs देखने को मिल जाएंगे। कुछ इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के पास भी ये कंपनी देखने को मिलेगी। मतलब देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे दिग्गज प्लेयर भी आप कह सकते हैं कि इस में जो है कि पब्लिक सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आइडिया फोर्स की बात करें तो लगातार गिरावट देख रहे हैं, मतलब एक फ्लैट कारोबार कर रही कंपनी आज के दिन। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ तो आप देखेंगे दोस्तों मात्र 98,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जो कंपनी का हाई लो देखने को मिलेगा 7 जुलाई देखने को मिल जाएगा। 27 सितंबर कंपनी का लो, जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब इसके पहले ही मतलब 2-3 दिन हुए दोस्तों, जो कि कंपनी 52 वीक लो पे चल रही है। अभी इस स्टॉक में अपने करना क्या है, पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी देखा तो 30% कंपनी डाउन हुई है। और आपने क्या किया दोस्तों, मतलब कि एक IPO की प्राइस से आपने होल्ड किया है तो आपके पास मेरे पॉइंट से तो जो उन्होंने IPO की प्राइस पे होल्ड किया है उनको तो लॉस नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ जिन्होंने IPO पे लिस्टिंग होने के बाद इस कंपनी को बाइंग किया होगा उनको ही लॉस हो रहा है। तो ऐसे में आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, कोई भी हम जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों, देखिए बहुत सारी कंपनियाँ
IPO के लिस्ट होने के बाद देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी करेक्शन दिखाते, तो हो सकता है कि कंपनी 50% भी डाउन हो सकती है। मतलब देखा जाए तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि कंपनी 700 से 600 के बीच में भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि मेरा मानना तो वॉक्स के बाद देखा तो मार्केट है, मार्केट में जो कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के विपरीत भी मार्केट चलता है, तो ऐसे में हो सकता है कंपनी एक तेज़ी भी दिखा सकती है। तेज़ी की बात करें तो 1000 के लेवल को ये स्टॉक जा सकता है। हालांकि दोस्तों इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं उसके बाद ही जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।